ऑलरेडी चार मेगावाट चमोली डिस्ट्रिक्ट में, 94 मेगावाट चमोली डिस्ट्रिक्ट की धनदाती जीवन में है। अभी मेल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 24 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है और 13 मेगावाट देवली चमोली डिस्ट्रिक्ट धनदाती नदी है, दो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। आगे हम 50 मेगावाट का हाइड्रो पावर के लिए और 25 मेगावाट सोलर के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं राजेश नचोला, नचोला हाइड्रो पावर से। हम लोग 14 साल से 3 मेगावाट गोडा घर में जनरेट कर रहे हैं और हाल में हम लोग सुखार पावर प्रोजेक्ट जो तेलंगाना रिवर में है उस पर कार्य रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी स्थापन पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का काम किया है और आगे आने वाले टाइम को भी इस तरह की हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं सुनील मिश्रा हूँ, मुख्य कार्यक्रम प्रधान प्रबंधक आरईसी लिमिटेड से। सर, हम लोग तीनों यूटिलिटीज के साथ काफी पिछले काफी वर्षों से एसोसिएटेड हैं। हमारा करीबन 3000 करोड़ का ऋण है एज ऑफ डेट। इसके अलावा सर, आगामी 5 सालों के लिए हमने उत्तराखंड के लिए सर 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, पावर सेक्टर और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिक सेक्टर को। धन्यवाद सर। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं रवि मर्तोलिया, इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी स्टार्टअप एंड सीईओ फाउंडर ऑफ दिस स्टार्टअप। एंड मुझे बहुत खुशी है इसको बताने में आपकी कि हम इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्लांट तपोवन क्षेत्र में स्थापित करेंगे कुछ वक्त में, जो कि हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग और कार्बन कैप्चर एंड ड्यू टू इंडियन ट्रूप्स जो डिप्लॉय है ग्लेशियर रीजन्स में, जिसकी वजह से और डीजल बर्निंग की वजह से हमारा ग्लेशियर मेल्ट होता है, उसको हम कवर अप करेंगे, जो कि हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग और अर्थ के स्ट्रक्चर्स उनको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, आई एम विकास बालियान, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एमबी पावर एनर्जी न्यू दिल्ली। वी हैव प्रपोज्ड टू पुट अप 13 मेगावाट एग्रो वोल्टेइक प्लांट इन उधमसिंह नगर एज अ पीएम कुसुम सी योजना एंड वी प्लान टू do it in next financial year, and it will be total 75 megawatt of the project to be executed in 2 phases. सर, जिनकी श्रद्धा को आगे बढ़ाते हुए, यदि आप सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, आपकी कुछ क्वेरी है, कोई जानकारी आप इन पॉलिसी से संबंधित लेना चाहते हैं, तो ऊर्जा विभाग के अधिकारी मेरे यहाँ उपस्थित हैं, कृपया एक एक कर आप जानकारी ले सकते हैं। एक तरफा नहीं है, एक कॉन्क्लेव इसमें रखा गया है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। कि 108 और 9 तारीख को आप सबको पता ही है अभी सबमिट हो रही है और उससे पहले रखी गई है जस्टिस, तो आप स्वयं अंदाजा लगा दीजिए कि हम लोग कितने इसको लेकर सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं, कितने इसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो ये केवल एक तरफा नहीं कि यहाँ से लोगों ने बोल दिया, हमने भी लास्ट में उसको कंक्लूड करके ख़त्म कर दिया। आप लोगों को अगर कोई बात करनी हो तो आप लोग अपनी बात भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों तरफ से। सर, थैंक यू फॉर दिस रिफॉर्म्स विच वी सी, बट एक प्रश्न है थोड़ा सा, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसमिशन टू द स्टैंडर्ड्स इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एसएचपी पर्टिकुलरली। अगर ट्रांसमिशन बाद में बनती हैं तो डेवलपर्स का भी नुकसान है और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर कम से कम 10% एक्स्ट्रा पावर हमें फ्री मिल जाएगी, डेवलपर को तो मिलेगी, स्टेट को भी मिलेगी, और वो सिर्फ ट्रांसमिशन लॉस है, क्योंकि अगर हम डाटा देखें तो जो आउटेजेस हैं वो राउंड अबाउट 18% है, 8% तक तो ठीक है, होना चाहिए। जो 10% एक्स्ट्रा है ये सेव हो सकती हैं अगर एवैक्यूएशन ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन के ऊपर थोड़ा सा बल दिया जाए, देन इट विल फर्दर बी मच मोर एक्यूरेट ऑन द डेवलपमेंट। आपके सजेशंस को नोट कर लिया है। वैसे आपका नाम अरुण शर्मा, President Federation of Indian Small Hydro Power, and my projects are there in Yamunavari, Regency in Bengali and Regency. Sir, what are you saying? Transmission? Sir, transmission is not as much as evacuation, as much as generation is happening.
तो उसमें वोल्टेजेस बढ़ जाती हैं, तो 10% कम से कम नेट लॉस है, 18% तक आउटेजेस हो रहे हैं। तो 10% अगर हमारी पूरी की पूरी जितनी जनरेशन हो रही है वो ट्रांसमिट भी हो जाए, एवोकेट हो जाए, तो कुछ नहीं करना, सरकार को 10% एक्स्ट्रा आएगा और डेवलपर का भी जो है लोन जल्दी खत्म होगा। तो दिस इज अ कॉमन थिंग कि उसमें टाइम लग रहा है, वो थोड़ा टाइम उसको फास्ट कर दें, देर आर प्लान, वी नो इट, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर। तो अगर वो एक्सपेडाइट करेंगे तो उतनी जल्दी प्रोवाइड करेंगे, दिस इज वन सिंगल फैक्टर जिससे कि हैम्पर्स का डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन मास्टर प्लान हम लोग अलग से बना रहे हैं, इवैक्यूएशन मास्टर प्लान, जिसके लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी परमानेंट कमेटी है, जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स एड ऑन होते रहेंगे वो रिवाइज भी होता जाएगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जैसे नए प्रोजेक्ट्स हम लोग सेंशन कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन जो प्रपोज ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें भी बदलाव करनी पड़ेगी, और आप उसको उस ड्राफ्ट प्लान को एक बार देख लीजिए, कुछ एडिशनल आपको जहाँ भी सजेशन होगा आपके सजेशन को इंकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। आप शर्मा जी एक अपना सजेशन पूरा बना के दे दीजिए, इसमें जैसा इन्होंने मीनाक्षी जी ने कहा कि प्लान हम बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कोई प्लान एक दिन के लिए नहीं है, ये देखिए इस प्रकार से ये सबमिट हो रही है और लोग भी आ रहे हैं, आप लोग भी सब लोग प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह बता रहे हैं, तो आने वाले समय में हमको 25 सालों में 50 सालों में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी, कितनी बिजली चाहिए होगी, वह भी एक प्लान है। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा, मेरा जो निवेदन है वो सोलर प्रोजेक्ट्स या दूसरी जो भी कैपिटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वायबिलिटी से संबंधित है। जब भी कोई प्रोजेक्ट जब क्वेश्चन शुरू करेगा और पावर इवैक्यूएशन के लिए ग्रिड का यूज करेगा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल जो लाइन लॉसेज है 13.5% वो अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से तमाम सारे प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अभी समय उत्तराखंड में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो शायद काफ़ी बहुत से लोग जो केवल कॉमर्शियल वायबिलिटी के इशू में पढ़कर अभी आगे नहीं बढ़ रहे वो इस ओर जरूर आकर्षित होंगे, और मैं समझता हूँ कि शायद ये हाँ जी सर मेरा निवेदन यह है कि जब हमने पावर जनरेट की और ग्रिड को दे दी और उसके बाद इंडिपेंडेंट फीडर से हमें सप्लाई मिल गई तो लाइन और 13.5% का तो कोई मकसद ही नहीं आता इसके अंदर। सर इसमें क्या है, आपकी जो अनुरोध है कि आप पूरे स्टेट का जो एवरेज लाइन लॉस है उसको मत लगाइए और उस पर्टिकुलर जगह का जो लाइन लॉस होगा वो फिगर आप लगा दीजिए। तो अभी वर्तमान में हमारे साथ टेक्निकल डिफिकल्टी है सर, ये फिगर सेग्रीगेट करने का कोई तरीका अभी है नहीं, तो ये स्वाभाविक है हम लोग ओवरऑल जो लाइन लॉस है स्टेट का उसको लगा रहे हैं, लेकिन सर आगे सबसे हमारी स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन हो जाएंगे और उसके साथ साथ लाइन लॉस रिडक्शन का जो प्रोग्राम हो जाएगा हमारा ओवरऑल लाइन लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, उसके साथ साथ हम लोग स्पेसिफिकली उस जगह का लाइन लॉस को आइडेंटिफाई करते हुए उसको लगाने की कोशिश में होंगे। तो मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुका हूँ आपको कि ये हम लोग का जो आगे सब प्रोग्राम रोल आउट होने दीजिए, फिर उसके बाद ये अडजस्ट हो जाएगा। सर इसमें मेरा टोटल निवेदन है अन्य आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश का ओवरऑल लाइन लॉस कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ इकाइयाँ जो केवल और केवल 33 पर या 132 पर इंडिपेंडेंट फीडर से कनेक्टेड है उनके लाइन लॉस तो 24 घंटे आपके पास है। इसमें हम प्रेडिक्शन ले जाएंगे क्योंकि रेगुलेटरी रूल्स इसमें यही लागू होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो ओवरऑल एवरेज लॉसेज हैं उसी के तहत आपको लॉसेज बुक होंगे, लेकिन हम इसको प्रेडिक्शन में बात करते हैं कि अगर ये संभव हो कि प्रेडिक्शन को मैं इसको अलग कर दें तो देखेंगे। एक अच्छी बात आपकी तरफ से आई है और इसको हम लोग आगे कर सकते हैं या आगे सुझाव दे सकते हैं, तो उसको लेना चाहिए हमको कि भाई अगर वो प्रोजेक्ट का वहाँ पर लाइन लॉस नहीं है सीधे जा रहा है ट्रांसमिशन में तो इनको भी जो सहभागी बनाया जाए कोशिश कर रहे हैं कि वो उस तरह को इनके एरिया के जो सबसे पहले उस एरिया के 33 के ऊपर मीटर्स लगा करके उसको सिंडिकेट कर दिया जाए, फर्स्ट क्राइटेरिया बता दिया हम। सर मैं पापना विश्वनाथ बोल रही हूँ,
रामचंद्र राव ट्रांसमिशन संपन्नी घाट हाइड्रो से मेरी ये निवेदन है, हमारे अंबे साहब ने आग्रह किया था और हमारी निवेदन ये है कि सबसे पहले तो थैंक यू सर, इस अधिवेशन को आपने अरेंज किया है एंड हमारे तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है, सभी प्रशंसा ही प्रशंसा है, मगर एक हमारी बहुत ही नम्रता से निवेदन है, निवेदन ये है कि सर इधर से तो हो रहा है, देहरादून से और सचिवालय से तो सभी निकल रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल में काम करती हूँ, एमडी साहब हमारे हैदराबाद रहते हैं और ट्रांसमिशन में बिजी व्यस्त रहते हैं, ये प्रोजेक्ट मैं देखती हूँ, डीएम साहब को एसडीएम साहब को हमें पर्सनली जाके बोलना पड़ता है और ऊर्जा सेल की तरफ से एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करें और उस मीटिंग में ऊर्जा सेल की तरफ से उधर की डीएम एसडीएम को भी मिल लें और हम प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न के जवाब देने में बंद हो जाते हैं, आपको किसने प्रोजेक्ट दिया, किसने दिया, क्या दिया, कैसे दिया, वो सभी हम देते देते आप सरकार है गैर सरकार है ये सभी चीज़ें प्रश्नों को हमें थोड़ी तकलीफ होती हैं। ऊर्जा से अगर प्रोजेक्ट के बारे में उधर एक छोटी सी कॉन्क्लेव उधर भी करें और बता दें, हमें एक इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे लिए सुविधा होगा। डिस्ट्रिक्ट में करेंगे आप? जी सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सर उसको जो सबस्टेशन में लगना है वो पिटकुल का सबस्टेशन होगा डीम्ड आईएसटीएस, तो वो अभी तक सीए जब मीटिंग बुलाता है अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि कब तक आएगा कैसे आएगा और वो डाइट कहाँ से ध्यान इसमें सहमति दे दी है कि उसमें जो होगा वो आईएसटीएस के अंतर्गत होगा, अलग से भी बता दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। शरद चंद्रा, वाइस प्रेसिडेंट सारासाई, अभी जो यहाँ सुन के लग रहा है कि देश में 2700 मेगावाट का 2027 तक का प्लान है, ये कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है जितने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, बट एक चीज़ देखी गई है कि जो रूफटॉप सोलर प्लांट है ऑल्दो सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है बट फिर भी इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं, जो पावर जनरेट होती है वो उनके पास जाती है, वो अपने 7-8 साल बाद वो लैंडलॉर्ड की हो जाती है, उस स्थिति में अगर कुछ कंपनीज आ गए हैं या सरकार अगर कुछ कर सके तो हमारी जो 2700 मेगावाट का प्लान है वो कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। नहीं, इसमें क्या सुझाव है आपका? अगर इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आ जाए, जो होम ओनर्स हैं उनको कुछ ना लगाना पड़े, जो अगर 5 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं आज की डेट में एक होम ओनर को 3 लाख रुपए लगाने होते हैं एंड 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, अगर वो 2 लाख रुपए भी उन्हें ना लगाने पड़े एंड जो भी पावर जनरेट हो रही है वो 5 साल 7 साल तक सरकार के पास जाए, मे बी 7 साल बाद वो होम ओनर को मिल जाए। इसमें दो तरीके के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, एक तो जो सरकारी बिल्डिंग्स के रूफटॉप हैं ये हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको जल्दी बिड आउट करेंगे, उसमें इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो जहाँ तक निजी मकान का है, तो हमें मालूम है कि एक इंडिविजुअल मकान का जो टोटल रूफ का अवेलेबल स्पेस है वो इतना छोटा है, शायद वायबिलिटी नहीं आ पाती होगी,
तो हम लोग अभी RWA इसके साथ वार्ता कर रहे हैं, अगर कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इफ दे कम फॉरवर्ड फॉर ऑल द हाउसेस इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो उसको हम लोग उनके साथ तैयार करते हुए इकट्ठे बिड आउट करेंगे, जिसमें इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं और हर घर के रूफटॉप में लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें एक मेरा सोलर के अलावा भी एक है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर समिट भी आ रही है, उसमें जो इंडस्ट्रीज काफ़ी आई हैं, देहरादून में एक DGFT का ऑफिस हुआ करता था जो कि अब शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से नोएडा। तो जितने इंडस्ट्रीज वाले हैं जो खासतौर से एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, उन्हें रोजाना ही अपने किसी आदमी को नोएडा भेजना पड़ता है कागज साइन कराने के लिए, तो अगर उस स्थिति में हमारा DGFT ऑफिस वापस आ जाए तो एक रिक्वेस्ट। कौन सा ऑफिस, कौन सा? पिछले कई सालों से देहरादून में चला आ रहा था, 15-20 साल से, वो पिछले साल शिफ्ट हो गया। नहीं, अच्छा है। धन्यवाद। कार्यक्रम की और हमने बार बार रिक्वेस्ट की है बट उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। जो सबस्टेशन कनेक्टेड है, सबस्टेशन की मेंटेनेंस की हालत बहुत खराब है। इस तरह से जब इवैक्यूएशन सिस्टम जब वीक रहता है तो अल्टीमेटली जनरेशन नहीं कर पाते। आप हमसे टाइम ले लीजिए, ट्रांसमिशन वालों को बुला लेंगे, बैठ करके आपके इश्यू को बहुत डीपली डिस्कस करके डिसाइड करेंगे। यदि और किसी जनमान्य गण के सुझाव हो तो वो अलग से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वहां से उनको जानकारी दे दी जाएगी। डेस्टिनेशन टू उत्तराखंड, समृद्धि का प्रवेश द्वार। आज इस एनर्जी कॉन्क्लेव के माध्यम से देश के दिग्गज ऊर्जा संस्थान उत्तराखंड सरकार के साथ MOU के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में भागीदार बनने जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करती हूँ THDCIL UJVNL एनर्जी कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि डायरेक्टर टेक्निकल THDC को हाइड्रो एंड पंप स्टोरेज पावर प्लांट के MOU को हस्ताक्षर करने। अब मैं आग्रह करती हूँ NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि को सोलर के MOU हेतु। अब मैं आग्रह करती हूँ UJVNL के प्रतिनिधि डॉक्टर संदीप सिंगल MD UJVNL को हाइड्रो एंड पंप स्टोरेज पावर प्लांट के MOU के हस्तांतरित।
वन टाइम एमनेस्टी प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड सरकार मौजूदा कॉन्ट्रेक्टर्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एमनेस्टी लेटर भेंट कर रही है। इस क्रम में स्टेट क्राफ्ट के प्रतिनिधि को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनके पश्चात ईस्टर्न राम गंगा वैली हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी एवं मंदाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड इनके प्रतिनिधि एमनेस्टी लेटर हेतु मंच पर आ गए हैं। खोटानी प्राइवेट लिमिटेड खोटानी पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि कृपया मंच पर आ गए हैं। इनके पश्चात मेलकेट पावर प्राइवेट लिमिटेड एवं हिम ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि एमएससी लेटर हेतु कृपया मंच पर आए। इनके पश्चात अग्लार पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि एमएससी लेटर हेतु कृपया आगे आए। पश्चात काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि सोलर पावर प्लांट के अलॉटमेंट लेटर हेतु कृपया आगे आए। मैं अनुरोध करूंगी काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल मिल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को सोलर पावर प्लांट के अलॉटमेंट लेटर दें। इसके पश्चात एवेंशिया रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि सोलर पावर प्लांट के अलॉटमेंट की तो आगे आए। सारा